क्योंकि माताएं बहनों को अभी ये बात समझ नहीं आई है कि धर्म क्या चीज़ है। अब वो धर्म सबसे अच्छा धर्म है, महिलाओं को सबसे आगे बढ़ाने वाला धर्म बुद्ध धर्म ही है। जो बहुत देश हैं जो अभी भी वहाँ देखें महिलाओं को समान अधिकार समान रूप से हर जगह कंधे से कंधा मिला के चलती हैं। आज भी जो सरकारें आई हैं फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, जो विदेश के लोग हैं वो बुद्ध धर्म के लिए भारत में काम कर रहे हैं, ये भारत के लोगों के लिए सरकार के सबके लिए शर्म की बात है कि हमारे देश के धर्म जो विदेशों में फैला हुआ वो लोग आकर के हमें दान देते हैं, यहाँ बिल्डिंगें बनाते हैं, धर्म के और तमाम कार्य करते हैं, संस्थाएँ चला रहे हैं। लेकिन हमारे देश, चूँकि ये देश ब्राह्मणवादी देश है, स्पष्ट कहने में कोई हमें शर्म नहीं लगती है, जो वास्तविकता है। क्योंकि ब्राह्मणवाद से जब तक ये देश घर्षित रहेगा ये देश तरक्की नहीं कर सकता। पुरुष हैं क्योंकि वो धम्म चर्चा घर में करते ही नहीं, घर में कभी करवाते नहीं, भिक्खू को नहीं बुलाते, कोई ग्रंथ नहीं पढ़ते घर में, तस्वीरें वगैरह हैं जो भी हैं वो अपने महापुरुषों की नहीं लगाते, दूसरों की लगाते हैं। संगीत बजेगा घर में तो दूसरा बजता है, ये सारा कारण रहता है कि महिलाओं को बुद्ध धर्म की जानकारी नहीं हो पाती। कारवा में कितने लोग जा रहे हैं? इस 50 लोग जा रहे हैं। महिलाएं कितनी हैं? महिलाएं 11। बच्चे कितने हैं? बच्चे 4। 50 में से 11 महिलाएं और 4 बच्चे, तो किस तरह से भागीदारी सुनिश्चित कर पाएंगे? क्योंकि हम समानता की बात करते हैं, भाईचारे की बात करते हैं, बंधुता की बात करते हैं, लेकिन जब महिलाओं की भागीदारी की बात आती है तो बहुत पीछे खड़े नजर आते हैं। हमारी यही, हमारे समाज की यही बिड़ बना रही है कि हम महिलाओं को समझाने में आज तक कमजोर हैं और महिलाओं को निकालने भी बहुत कमजोर हैं। हम अथक प्रयास के बाद भी हम इन महिलाओं को तैयार कर पाए हैं, तो इसके लिए हम प्रयास रहते हैं, आगे उम्मीद रखते हैं कि हम इस महिलाओं को भी आगे लाने में आगे प्रयास करते रहेंगे। तो क्या लगता है जिस तरह से महिलाएं नहीं आती और अक्सर हम एक एलिगेशन सुनते आए हैं कि महिलाएं घर से नहीं निकलती हैं, तो इसके पीछे बेसिक कारण पुरुष हैं या महिलाएं हैं? पुरुष हैं क्योंकि वो धम्म चर्चा घर में करते ही नहीं, घर में कभी करवाते नहीं, भिक्खू को नहीं बुलाते, कोई ग्रंथ नहीं पढ़ते घर में, तस्वीरें वगैरह जो भी हैं वो अपने महापुरुषों की नहीं लगाते, दूसरों की लगाते हैं। संगीत बजेगा घर में तो दूसरा बजता है, ये सारा कारण रहता है कि महिलाओं को बुद्ध धर्म की जानकारी नहीं हो पाती। अभी आपने तस्वीर की बात करी कि तस्वीर नहीं लगाते, तस्वीर तो हम देख रहे हैं कि सरकारें भी लगा ली है, लेकिन जब विचारधारा की बात आती है तो कहीं ना कहीं वहाँ पर युद्ध छिड़ता नजर आता है, ऐसा क्यों? नहीं कहा, मैंने कहा हमारे घरों में जो हमें अपने धार्मिक पूर्वजों की तस्वीर लगानी चाहिए वो तस्वीर नहीं लगाते हैं, हम दूसरे तस्वीरें लगाते हैं जो उसी तरीके से लोगों अपना उनकी मानसिकता बनती है। उसी संदर्भ में पूछा आपसे सवाल, ठीक है? तो चलिए इसी कड़ी में जी, जिस तरह से अभी मैंने एक सवाल पूछा और जिस तरह से अभी माननीय जी ने कहा कि हम लोग घरों में तस्वीर तो लगा लेते हैं लेकिन विचारधारा नहीं, लेकिन मैं कहना चाहूंगी कि तस्वीरें सरकारें भी लगा रही है, मूर्तियां भी लगा रही है, हमारे लोग भी लगा रहे हैं जिस तरह से अभी इन्होंने कहा, लेकिन क्या बात है कि जब विचारधारा की बात आती है तो युद्ध हो जाता है? कारण ये है कि अभी हमारा प्रचार बहुत कमजोर है, क्योंकि जिस तरह आज मीडिया चल रहा है तो प्रचार बहुत बड़ी चीज़ होती है और प्रचार का हमेशा महत्व रहा है। प्रचार में हमारी बहुत कमी है और प्रचार के कार्य में हमारे घरों में भी कमी है, क्योंकि माताएं बहनों को अभी ये बात समझ नहीं आई है कि धर्म क्या चीज़ है। अब वो धर्म सबसे अच्छा धर्म है, महिलाओं को सबसे आगे बढ़ाने वाला धर्म बुद्ध धर्म ही है। जो बहुत देश हैं जो अभी भी वहाँ देखें महिलाओं को समान अधिकार समान रूप से हर जगह कंधे से कंधा मिला के चलती हैं, लेकिन हमारी माताओं बहनें चूँकि निकल नहीं पाती हैं, कुछ घरेलू परिस्थितियाँ, कुछ गरीबी के कारण, कुछ अनपढ़ होने के कारण वो समझ नहीं पाई है। दूसरी बात यह है कि हमारे पास बाबा साहब ने हमको एक ग्रंथ दिया बुद्ध और उनका धर्म, उसका पाठ हमारे घरों में नहीं होता है। ये हमारी जिम्मेदारी, पुरुषों की जिम्मेदारी बनती है कि दिन भर दिन में सुबह सुबह जिस तरह अन्य धर्म के लोग अपने धर्मों का ग्रंथों का पाठ करते हैं वो इसलिए करते हैं ताकि हमें धर्म की बातें याद रहें। तो बाबा साहब ने आपको बुद्ध उनका धर्म नाम का ग्रंथ दिया तो हर घर में उसका पाठ प्राथमिक तौर पर होना ही चाहिए। जिस तरह अन्य के धर्म के लोग कपड़े धोकर नहा धोकर के तैयार होकर के सबसे पहला काम ये करते हैं कि कोई ना कोई 4 लाइन धर्म की पढ़ते हैं गाते हैं, तो इस तरह से हमारे यहाँ भी प्रैक्टिस नहीं है।
अगर हमारे लोग प्रेस्टीज डालें, जो जानकार लोगों की ज़्यादा जिम्मेदारी है, भिक्षुओं की ज़्यादा जिम्मेदारी, उपासकों की बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है कि जो जागरूक उपासक हैं उनको अपने घरों में और दूसरे के घरों में जा जा करके प्रचार करना चाहिए कि धर्म का प्रचार तभी होगा जब माताएं बहनें आगे बढ़ेंगी। किसी भी देश की जो प्रगति है वो महिलाओं पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है, इसलिए हमें महिलाओं पर अधिक जोर देना चाहिए। ये बात सही है कि हमारे प्रचार सामग्री भी कम होती है, प्रचार तंत्र भी हमारे बहुत कम है जैसा दूसरे लोगों के पास होता है, तो लेकिन फिर भी हमारे लोग लगे हुए हैं। जैसा आज देख रहे हैं, आज जो कारवां बन रहा है, अब चल रहा है, तो ये लोग प्रयास में रह रहे हैं। लोग प्रयास करते करते आगे बढ़ेंगे और बाबा साहब की इच्छा को पूरी करेंगे कि एक दिन भारत फिर बौद्धमय होगा जिस तरह अशोक। लेकिन फिर भी हमें प्रतिक्रियावादी शक्तियों से बहुत ही जागरूक रहना है। आज का समय ऐसा ही आ गया है कि जिस तरह से जब अशोक के बाद जब उनके वंश के लोग शासन कर रहे थे, बुद्ध धर्म बहुत अच्छी तरह चला, तो हमारे यहाँ के हमारे ही देश के लोग उनके साथ घातक बन गए, उनके साथ दगाबाजी की और बुद्ध धर्म को यहाँ से नष्ट कर गया। और आज भी जो सरकारें आई हैं फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, जो विदेश के लोग हैं वो बुद्ध धर्म के लिए भारत में काम कर रहे हैं, ये भारत के लोगों के लिए, सरकार के, सबके लिए शर्म की बात है कि हमारे देश के धर्म जो विदेशों में फैला हुआ वो लोग आकर के हमें दान देते हैं, यहाँ बिल्डिंगें बनाते हैं, धर्म के और तमाम कार्य करते हैं, संस्थाएँ चला रहे हैं। लेकिन हमारे देश, चूँकि ये देश ब्राह्मणवादी देश है, स्पष्ट कहने में कोई हमें शर्म नहीं लगती है, जो वास्तविकता है, क्योंकि ब्राह्मणवाद से जब तक ये देश घर्षित रहेगा ये देश तरक्की नहीं कर सकता। क्योंकि उस ब्राह्मणवाद में ऊंच नीच की दुर्भावना है और ऊंच नीच की दुर्भावना बराबरी का हक नहीं मिलता। बराबरी का हक ना मिलने के कारण बहुत से हमारे जो अच्छे लोग हैं, बहुत से विद्वान लोग हैं, पिछड़ जाते हैं। तो हमें चाहिए कि बुद्ध धर्म के अपना करके जहाँ समता भाव और सभ्य सत्ता सुखी हो, सबका कहा गया है। और ये कहा कि भगवान बुद्ध का धर्म की दो लाइन में है, सब पापस अकरणं कुशलस उपसंपदा सचित परियोदपनंग एतंग बुद्धान शासन, अर्थात सभी पापों का ना करना, अच्छे कर्मों को करना, यही बुद्ध का शासन है कहते थे। और ये कब होगा? हमारा चित्त सही होगा, हमारे अंदर विद्या की भावना होगी, हमारे अंदर न्याय की भावना होगी, तभी होता है। तो भगवान बुद्ध और ये जो कहते हैं सनातन क्या है, भगवान बुद्ध ने सनातन को डिफाइन किया है, कहते हैं नहीं वेरेन वेरानी समन्तीति कुदाचन, वैर से वैर कभी भी समाप्त नहीं होता है, भगवान बुद्ध ने कहा अपने समय में। नहीं वेरेन वेरानी समन्तीति कुदाचन अवेरेन समन्तीति ए सद्धम्मो सनातनो, सनातन धर्म यहाँ सदा चला रही थी। क्या है कि वैर से वैर कभी मित्रता से शांत होता है, और ये किसी देश में हो, किसी समाज में हो, किसी जगह हो, किसी समय हो, इसीलिए उसको सनातन कहा गया कि भगवान बुद्ध की वाणी सनातन है। और सनातन को यहाँ के ब्राह्मणवादियों ने सनातन को जोड़ दिया वेदों से। तो बहुत बहुत धन्यवाद शिलप्रिया जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए जिस तरह से ये धम्म यात्राएं हैं, इनका आयोजन किया जाता है, तो बहुत बड़े स्तर पर कहीं ना कहीं लोगों के लिए इन यात्राओं का एक सदुपयोग भी होगा। और सदुपयोग किस दिशा में होगा कि जिस तरह से करुणा मैत्री भाईचारे का संदेश देते हुए इस तरह की धम्म यात्राएं होंगी, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़े स्तर पर